अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार हुसैन खान और आप देख रहे हैं K9 TV में हर हर घर पर नज़र। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद गौस है, मैं एक पेशे से एक रिपोर्टर हूँ। मैं अभी फलकनुमा PS लिमिट में अभी मेरे बड़े भाई के खिलाफ एक कंप्लेन डाला हूँ। ऑलरेडी ये 2021 से केस चल रहा है, मेरे ऊपर ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, हरासमेंट कर रहे हैं मेरे साथ। ये प्रॉपर्टी को लेकर इशू चल रहा, मेरे बड़े भाई HMWSSB में वाटर वर्क डिपार्टमेंट में एज ए अटेंडर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ये प्रॉपर्टी को लेकर इशू चल रहा, मेरे बड़े भाई का नाम सैयद रफ़ीक है, जो HMWSSB में अटेंडर का जॉब करते हैं। इन्हों 99 में जॉब पे चढ़े थे, जॉब पे चढ़ने से पहले मेरे को एक डिक्लेरेशन दिए थे कि मेरे को जॉब मेरे को मिल गई, मेरा ये प्रॉपर्टी में अमल दखल कुछ भी नहीं है बोल के बोले थे। फिर उस जॉब मिली थी आपके भाई को, बड़े भाई को जॉब मिली थी, मेरे वाली साहब की जॉब मिली थी। मेरे वाली साहब जॉब सर्विस पे उनका इंतकाल हो गया था, उसके बाद हम लोग माइनर थे, तो माइनर रहने की वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, हमारे को डरा के धमका के माइनर बच्चों से सिग्नेचर ले लिए थे। लोग माइनर बच्चों के सिग्नेचर एक्सेप्ट होते क्या? हम अंडर 18 थे, मेरे छोटे भाई आ तो 10 साल 6 साल के भी थे। उसके बाद इन्हों अनपढ़ जाहिल, इनको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, इन्हों जाली सर्टिफिकेट लगा के करके हमको टॉर्चर करके इन्हों जॉब ले लिए। जॉब लेके फिर हमको डिक्लेरेशन दिए कि भाई मेरा प्रॉपर्टी में अमल दखल नहीं है, मैं जॉब ले लिया और ग्रेजुएट यूज़ कर लिया, मेरा प्रॉपर्टी में अमल दखल नहीं है बोले। फिर एक 2016 में मेरे को एक नोटरी बना के दिए, नोटरी में लिख के दिए भाई मेरे को जॉब मिल गई मेरे वाली साहब की। अब मेरा जो शेयर बनता मैं सैयद गौस को दे दे रहा हूँ, क्योंकि जॉब सैयद गौस को होने का था। हम लोग 4 भाई हैं टोटल। आपके वालिद की जो प्रॉपर्टी थी आप चारों में बटी थी? चारों में नहीं, तीनों में बटी थी। बड़े भाई तो जॉब ले लिए थे, प्रॉपर्टी तीनों में बटी थी। दो भाई हैं, उन लोगों को इनको डिवाइड करके दे दिया, उन लोगों का सुकून में है, उन लोगों का वो नहीं है। और उन लोग एज ए गार्डियन रहने की वजह से ना कोई भाई को पढ़ाए, ना कोई बहन की शादी करे, ना किसी को कुछ। मैं मेरे दो बहनों की शादी करा, मेरे छोटे भाई की शादी करा, मेरा सेल्फ भाई शादी कर लिया। सो फैसले से आपके जो दूसरे दो भाई है जी, जो दूसरे दो भाई उन लोगों को इत्तेफाक था इससे? यहाँ बड़े भाई को, दोनों छोटे भाइयों भी इनके खिलाफ में, वो भाइयों को भी टॉर्चर करे से उन लोगों, वो भाइयों को ना पढ़ाई लिखाए, ना भाइयों की शादी करे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, 2021 में यहाँ पे मेरे ऐसा हुआ था, प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, मेरा बड़े भाई बोले मेरे को, भाई मेरे जवान बच्चियाँ हैं, मेरे को इधर उधर फिरना नहीं होता, तो ग्राउंड फ्लोर में मेरे को बनाने के ऐसे जगह दे दो, 15 लाख रुपये आपको दे दो बोले। मैं बड़ा भाई है बोल के मैं भरोसा करा तो रजिस्ट्री में मेंशन कर लिए। अब मैं पैसे मांगना इनसे चालू करा, भाई आप 15 लाख रुपये मेरे को देते बोले, पैसे दिए बोले, तो इन्हों इनके बीवी के ऊपर क्या करें, मैं उनके ऊपर अटैक।